गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एक्सपायरी स्पेशल कल होने वाली है, एक एक्सपायरी जो कि होने वाली है एक बहुत ही बड़ी डिसाइडिंग एक्सपायरी। जी हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ डिसाइडिंग एक्सपायरी, क्योंकि मार्केट आज जिस तरीके का मूव देखे, जिस सरप्राइजिंग तरीके का मूव देखे, दो राहे पे आके खड़ी है मार्केट, एक बड़े लेवल की तरफ नीचे जा रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे आज रिएक्ट किया, किस तरीके से ट्रेड बने और आप कल कैसे ट्रेड बना सकते हैं। अगर मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके चला, मार्केट ने बनाई है एक बेरिश कैंडल। हमारा व्यू था एक गैप अप का बेस्ड ऑन द स्टॉक्स। सारे स्टॉक्स जितने भी हमने BTST ले थे सब के सब फेल हुए। जी हाँ, ट्रेडिंग विद तरुण के BTST सारे के सारे फेल हुए। इसका क्या मतलब है? हम भगवान नहीं है, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं। दैट इज वन ऑफ दी रूल ऑफ माई गोल्डन सेटअप, से वी कैन बी रॉन्ग टू। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ। और जब हम रॉन्ग होंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, और जो भी आज हमें मिला, हमें ये डिसाइड करना है कि रिवेंज के थ्रू लेकिन प्यार से मार्केट से वापस लेना है और हम लेके रहेंगे। नो वरीज, एक्सेप्ट आर लॉसेस। जो लोगों ने बहुत बड़ी पोजिशन बनाई थी, तो भाई आज उसके लिए आपके लर्निंग सेशन जरूर हो सकता है कि गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड कोई चीज़ होती है जिसको आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। जस्ट बिकॉज BTST है, और हमारे BTST अक्सर क्या, अगर आप देखेंगे मोर देन 80% की एक्यूरेसी के साथ में हिट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी कैपिटल आप उसके अंदर लगा दो, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी भी आप BTST लेते हैं और हम बोलते हैं आपको लेने के लिए, अपनी कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि सारे लेने, आप कम भी ले सकते हैं। डेली कैंडल पर ये जो बनी है गाइस आज, बहुत ही अजीब तरीके से बनी है। गैप डाउन हुआ, मार्केट ने हमारे लेवल से गैप डाउन लिया, और आपको जो सपोर्ट लेवल मैंने स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर ये ग्रीन बना के दिया था कल के एनालिसिस में, मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, ऑलमोस्ट चौथी बार आके सपोर्ट लिया, ठीक है। और बार बार मार्केट इसी को सपोर्ट ले रहा था। निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने भी हमारे लेवल से सपोर्ट लेने के बाद हमारे लेवल्स पे ही अच्छा खासा काम किया। इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था, उसका ब्रेकडाउन देके इसने 100% टारगेट दिया, जो हमने बुक भी किया हमें लाइव ट्रेडिंग के अंदर। मार्केट ऊपर से वापस जाने लगा। चलिए मैं तो आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या बन रहा है। EMA लगा देते हैं गाइस, EMA लगा देते हैं। मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ने खुला, 50 EMA से रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, दोबारा 50 EMA से रेजिस्टेंस लिया, और उसके नीचे एक जिगजैग होके बंद हो गया। अगर आप यहाँ से पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका जिगजैग करके मार्केट ने ये पोजिशन बनाने की कोशिश की, एक फॉलिंग वेज नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन फॉलिंग बेसिकली ये चैनल काइंड ऑफ अ थिंग विच इसने फॉर्मेशन किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, मैं पूरा दिन आपको दिखाता रहा, वो ये नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो है आपका फिबोनाकी। ये लेवल मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए हाई से लो मैच करता हूँ, तो आपको मेरी गोल्डन जोन जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग तरुण के पास मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। मार्केट ने सुबह गैप डाउन होने के बाद जो होश संभाला है, जो सरप्राइजिंगली गैप डाउन हुआ है, वो संभाला है हमारे जोन के ऊपर, जो कि है 61%, 15,425। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली पिन पॉइंट 38% से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर से गोल्डन सेटअप, ऊपर फिर से गोल्डन। ये प्रॉबेबली पूरा का पूरा सेटअप अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉलिंग चैनल की तरह चैनल इसने बनाया, एक फॉर्मेशन किया, क्योंकि प्रोज और FIS का जो डेटा था वो भी साइडवेज ही था, और मार्केट ने संभलने की कोशिश की है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है। मार्केट काफ़ी कंफ्यूज रही है कि करना क्या है, क्योंकि मार्केट जिगजैग मूवमेंट में रहेगी। और हमारी जो मेन सपोर्ट जोन थी, मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ फैक्ट। और पूरा दिन मार्केट ने अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9:30 से लेकर 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पूरा दिन इसी सपोर्ट के ऊपर बिता दिया। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर, मैं इसको डिलीट करके दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं सारे सैंपल्स को, बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी सपोर्ट जोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जिन लोगों ने फिबोनाकी का कोर्स लेके सीखा हुआ है उन सबको पता है कि इसको कैसे डील करना है। इसने फिबोनाकी अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन वापस ऊपर आ गया, और इवेंचुअली इसने उसी जोन के ऊपर अपनी क्लोजिंग को किया है, उसी पर्टिकुलर जोन पे। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कहां पर मार्केट जा सकती है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा। अगर यहां पर आप क्या पैटर्न बनता है, बैंक निफ्टी से शुरुआत करें तो यहां पर एक क्लियर शब्दों में एक पैटर्न बनता है गाइस, जिसको हम बोलते हैं, ये इसने पैटर्न बनाया था, इट्स अ बेरिश फ्लैग पैटर्न, जिसका पहले इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अगर मैं मानूं कि हमारी जो लाइन थी ये गलत है, और इसकी लाइन ये है,
तो इसका ब्रेकडाउन अभी हुआ नहीं है, और अगर इस बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट दोनों के सेम ही आते हैं, चाहे आप जैसे मर्जी रखो। मुझे लगता है कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, और भी हमारी जो लाइन है वो ऐसे है बेसिकली, ये हमारी लाइन है और उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। इसका बेस लाइन टूटने के बाद जो आपकी कंफर्मेशन आएगी, जो हम हमेशा याद करते हैं, बेस लाइन है आपकी ये, और उसका जो लेवल आता है निकल के वो क्या है, वो है 32,766 का लेवल। वो अगर मार्केट तोड़ती है तो आपको सेम डे पे, आई रिपीट, सेम डे पर नीचे की तरफ ये वाला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 32,221 का लेवल, 32,221 का लेवल, बेरिश फ्लैग का लेवल। तो ये आपको बना के रखना है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी सबसे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। जो हमने कल के एनालिसिस में एक चीज़ मिस कर दी थी बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने मिस कर दी थी, वो आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी ने ये जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया था, इसका अगर मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ तो आपको दिखाई देगा, कल का जो मार्केट ने हाई मारा था वो क्या था, दैट वॉज नथिंग बट अ रिट्रेसमेंट। ये इसने ब्रेक डाउन दिया, ऊपर जाके इसने ट्रेस दिया और वापस नीचे आने की फिराक में ये चला हुआ है। अगर मैं इसका टेस्ट करता हूँ, इसका अगर मैं चेक करता हूँ इसका कितना टारगेट बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे का टारगेट इसका क्या आता है, काफ़ी बड़ा पोजिशनल ट्रेड आपका बनता है। और वो टारगेट क्या निकल के आ रहा है, जो मैं अपनी वीकली एनालिसिस के अंदर भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि क्या टारगेट आ रहा है, लेकिन मैं बोलता पहले रीटेस्ट करने दो फिर लेते हैं। रीटेस्ट के बाद में अगर इसे ले जाता, मौका नहीं दिया इसने रीटेस्ट के बाद में, अगर आप देखेंगे तो उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है नीचे का, जो कि है 28,587 का लेवल। और इसकी कन्फर्मेशन हमारे इस स्विंग के नीचे मिल जाएगी, जहां पर हमें अपनी स्विंग पोजिशन कन्फर्म हो जाएगी, वहां पर हम जुलाई सेकंड वीक की पोजिशन बना सकते हैं 32,300 के नीचे। ये मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया और मार्केट वही रूल आपको दिखा रही है, इतना बड़ा लेवल गिरेगा, मार्केट इतना गिर जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए गाइस एक धमाकेदार न्यूज, और आपको जानकर अति हर्ष होने वाला है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर नहीं जुड़े हैं तो टाइम टाइम पे मैं इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। 18,000 के आसपास मेंबर है। ये न्यूज मार्केट के अंदर ऑलरेडी फ्लोट कर रही है, बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस फाइल्ड बाय सीबीआई टिल डेट अगेंस्ट DHFL एंड इट्स डायरेक्टर्स कपिल एंड धीरज वाधवान फॉर डिफ्रॉडिंग 17 बैंक्स ऑफ रुपीज 34,650 करोड़। दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड एवर विच इज हैपन, एंड फ्रॉड ऑफ DHFL सरपास फ्रॉड ऑफ अमाउंट 23,000 करोड़ बाय ABG शिपयार्ड। और शिपयार्ड का जो फ्रॉड हुआ था उसके बाद में कितना फॉल हुआ था, कैसा फॉल हुआ था, आपको पता ही है। सो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बोला था इतना बड़ा फॉल कब होगा, जब हमारे पास न्यूज आएगी, और न्यूज आना शुरू हो गई है। नॉट ओनली दिस गाइस, एक स्टेटमेंट भी आई है बाइडन की ऑफिस की तरफ से, आई एम नॉट टू श्योर इट इज रूमर और इट डेफिनेटली ट्रुथ। इन्फॉर्मेशन क्या आई है, बाइडन जी ने बोला है दैट सेकेंड पैंडेमिक कैन कम एंड US नीड मोर फंडिंग टू सर्वाइव द नेक्स्ट पैंडमिक। तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें जानने की कोशिश करनी है। और अगर आप देखेंगे तो टोटल हाउ मेनी बैंक्स आर ट्रैप्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रॉड, अगर मैं बैंक्स को देखने की कोशिश करूं तो आपको दिखाई देगा जो बैंक ट्रैप्ड हुए हैं वो कौन से बैंक ट्रैप्ड हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। माय स्टूडेंट्स हैव सेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड दीज 17 बैंक आर पार्ट ऑफ इट, एंड टोटल 34,615 करोड़ समवेयर अराउंड इज द नंबर ऑफ फ्रॉड। ओ माई गॉड, तो क्या हो सकता है, वो आपके सामने, नजरों के सामने। तो बिल्कुल न्यूज और प्राइस एक्शन जब मिल जाते हैं तो धमाके होते हैं। क्या कल एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसको सपोर्ट करना चाहिए हमारे डाउ जोन्स को, और डाउ जोन्स एक बार फॉल करने के बाद रिकवर कर रही है। मैंने आपको लेवल्स चलती मार्केट के अंदर भी दिखाए थे, आपको पता था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी आपका हेड एंड शोल्डर रीटेस्ट फॉल फ्लैग बनाया, उसका टारगेट आपको दिखाया, दोनों फ्लैट गए, आपको बोला था कि ये डेफिनेटली रिकवर कर सकता है इस ब्लैक लाइन तक। अब एक रिकवरी इसकी चालू है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना रिकवर कर पाएगा, कहाँ तक ये जा पाएगा, उसके हिसाब से देखेंगे मार्केट रात को क्या करती है, क्या ये एक नया फ्लैग बनेगा या पूरी रिकवरी हो जाएगी, वो आपको US मार्केट बताएगी, देखना पड़ेगा। तो वो सिनेरियो भी आपका चल रहा है। निफ्टी के ऊपर मैं आ जाऊँगा, इस निफ्टी के ऊपर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, और अगर यहाँ से देखूँ कि क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, तो एक बार मैं यहाँ पर ये लाइन खींचने की कोशिश करूँ, और मैं यहाँ पर एक बार डाइवर्जन चेक कर लेता हूँ, डाइवर्जन है कि नहीं है, डाइवर्जन है कि नहीं है,
ओके सो तो गाइस दिस इज लिटिल स्कैरी बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ से नीचे जा रहा है और यही लेवल से आपको एक बुलिश डायवर्जन दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने इसलिए डायवर्जन लगाने की कोशिश की है कि एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न निफ्टी ने बनाया है और यहाँ पर एक बुलिश डायवर्जन दिखा रही है, तैसे दैट्स व्हाई द मार्केट वेंट अप साइड। अब हमें देखना है कि कल ये बुलिश डायवर्जन ज्यादा ताकतवर होंगे या हमारा न्यूज जो मार्केट के अंदर आया वो मार्केट को ले आएगा। और ओपन इंटरेस्ट की डेटा की बात करूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ भाई, पुट राइटिंग यहाँ पर कॉल राइटिंग दबा के हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। बेसिकली पोजीशन पहले खाली नहीं होती थी, तो एंड एंड में ये लोग भागे हैं तो थोड़ी सी मार्केट गिरना शुरू हुई है, लेकिन कॉल राइटिंग दबा के हुई है। और एक टाइम पर ये एक चल रहा था, बिल्कुल न्यूट्रल था, अब देखेंगे तो 85 आ चुका है। तो एंड एंड में थोड़े से पुट राइटर्स ने पोजिशन वीक जो हो गए थे उन्होंने, मुझे लगता है उनकी कन्वेक्शन कम थी इसलिए उन्होंने बुक कर लिया है। एंड एंड के अंदर जो भी पोजीशन हुई है लास्ट के 15 मिनट के अंदर हुई है, वो देखनी पड़ेगी आज के डेटा एनालिसिस के अंदर के क्या नंबर आएंगे वो हमें दिख जाएगा। बट डेटा एनालिसिस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड पे ज्यादा पोजीशन है और मार्केट साइडवेज टू बैरिश रह सकती है बाकायदा। ठीक है, ये हो गए आपके लेवल। ठीक है, इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक और पैटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या पैटर्न बन रहा है। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे अटेंशन एंड टेल मी विच पैटर्न इज दिस। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस और ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप यहाँ से पैटर्न बनाने की कोशिश करें क्या पैटर्न बनता है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज सेम पैटर्न जो पहले भी फॉर्म हुआ था आपके डाउ जोन्स के अंदर, दिस इज एन हेड एंड शोल्डर, नॉट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बट हेड एंड शोल्डर। और इसका जो नेक लाइन है उसका लेवल क्या आ रहा है, अगर आपको निफ्टी किसी भी हालत में यहाँ टूटता हुआ दिखाई देता है 15,384, तो आपको एक फॉल दिखाई देगा निफ्टी की तरफ से आता हुआ नीचे की तरफ नेकलाइन की तरफ से, और आपको यहाँ के लो, पहले तो आपको ये वाला लो उसका टारगेट होगा, तो उसको डिटॉर मान लीजिए या पहला टारगेट मान लीजिए 15,196 का आपका टारगेट, और दूसरी की तरफ जो टारगेट आ रहा है वो आएगा 15,129 का टारगेट। ये दोनों लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे, कौन से लेवल के नीचे 15,383, 15,195 और 15,129, ये लेवल्स आपके निफ्टी के बन रहे हैं। इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैंने लिया एक स्क्रीनशॉट और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग में तरुण के अंदर शेयर कर दूंगा। आप अगर हमारे चैनल के पार्ट है तो बन जाएंगे, नहीं है तो आप बिल्कुल बन जाइए, निफ्टी का पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको साथ में चैनल के अंदर शेयर कर दिया, आप वहां से ले सकते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी में भी ऐसा कोई सिमिलर पैटर्न बनने के लिए तैयार है, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बनने के लिए आतुर है, और ये अगर मैं यहाँ से मैच करता हूँ तो लगभग लगभग अगर इसको पूरा करेक्शन 100% नहीं है, लेकिन ये वो पार्ट नहीं है, आप इसे कपन हैंडल मान सकते हैं इन्वर्टेड। और इसका लेवल क्या है नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 31,800-31,900 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो उसके बड़े टारगेट आपको मैंने ऑलरेडी दे दिए, तो इसका मतलब क्या है हमारा जो पोजिशनल ट्रेड है वो बिल्कुल आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये तो हो गया इस ओवरऑल आपके सेटअप, बात आते हैं कि कल क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। कल बन रहा है तूफानी एक्सपायरी का गोल्डन सेटअप, ठीक है, तूफानी एक्सपायरी का गोल्डन सेटअप। लेकिन ये याद रखना सर, जो हमारा गोल्डन सेटअप है, जब भी ये बनता है, गोल्डन सेटअप बनता तो है, वो बहुत अच्छी बात है और अक्सर सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन अक्सर मैंने काफी बार देखा है थर्सडे के दिन ये बनता है तो ये साइडवेज मार्केट की वजह से फेल हो जाता है, हमारा जो सेटअप है वो फेल हो जाता है। तो उसको वॉच आउट करके रखना है कि ये एक्टिवेट होता है, कल देखना है कितना जाता है। लेकिन अगर एक्टिवेट होता है तो आपको गोल्डन लेवल के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं हम अपने गोल्डन सेटअप के लेवल के ऊपर, आपको देखते हैं कि गोल्डन सेटअप के लेवल क्या बनते हैं। ठीक है, तो ये लेवल लगा दिया गाइस मैंने आपके गोल्डन लेवल, और गोल्डन लेवल बाई साइड कहाँ बनता है आपका, अगर कल आपको किसी भी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है इंट्राडे के अंदर 33,055 के ऊपर, 55 का जो हमारा लेवल था 50 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, आपका जो लेवल होगा पहला टारगेट होगा वो होगा 33,252 और उसके ऊपर टारगेट होगा आपका 33,400 का। ये आपके गोल्डन सेटअप के लेवल बनेंगे बाइंग साइड के ऊपर। लेकिन अगर मार्केट आपको किसी वजह से गैप डाउन और नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो 32,700 के नीचे 32,700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 32,550 आपका पहला टारगेट होगा, उसके बाद में गोल्डन लाइन हमारा जो टारगेट होगा 32,353। लास्ट थर्सडे को हमारे गोल्डन सेटअप बना था और ऊपर खुली थी मार्केट, आपको याद हो तो गैप अप होकर और धड़ाम से नीचे गिरी थी, दोनों तरफ के टारगेट दिए थे। तो गोल्डन सेटअप लास्ट थर्सडे को सुपर डुपर हिट था, इस बार भी हो सकता है। तो आपको करना है इन द मिडल, ये जो आपके बने हुए इसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन, तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसको आप फॉलो कर सकते हो।
निफ्टी की अगर हम बात करें गोल्डन सेटअप की, तो गोल्डन सेटअप के लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये सेटअप जो बनना है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ से बाई करना बनता है, 15,523 के ऊपर आपका 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो बाई कीजिए, 15,633 आपका बेसिकली पहला टारगेट और 15,700 दूसरा टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर आप सेल साइड पर जाते हैं तो 15,345 के नीचे आपको शॉर्ट की एंट्री बनानी है 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होने के बाद, 15,275 आपका पहला टारगेट रहेगा और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 15,165 का लेवल। याद रखिएगा इसका जो स्टॉप लॉस है गाइस वो रहेगा सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मतलब इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करूँ तो मेरा सेंटर पॉइंट क्या आता है, मेरा सेंटर पॉइंट आता है ये, इसको बना देंगे लाल कलर की लाइन रेड कलर की। अगर आपकी बाइंग साइड की ट्रेड मिलती है तो रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस, अगर सेल साइड की ट्रेड मिलती है तो रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस और इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनती है। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको यही करना है, इसके बीच की एक लाइन खींचनी है तो बीच की लाइन अगर खींचनी हो तो मैं कहाँ पर लेके आऊँगा, सेंटर में इसकी ये लाइन बनती है, ये लाइन इसकी रेड लाइन बनती है, तो अगर बाई साइड में गए तो ये स्टॉप लॉस और सेल साइड में गए तो ये स्टॉप लॉस, बाकी टारगेट आपको मैंने ऑलरेडी दे दिए। ये आपको कैसा लगा वीडियो गाइस डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, गोल्डन सेटअप कैसा लगा उसके बारे में बात करें। अगर आप सीखना है तो आप हमारे चैनल बेसिकली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेडिंग विद तरुण की लर्निंग एप्लीकेशन, एंड्रॉइड में जाकर टाइप करना है आपको ऐप स्टोर के अंदर ट्रेडिंग विद तरुण और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज आपको एक से एक बड़े मिल जाएंगे, चाहे वो फिबोनाची का कोर्स हो, चाहे वो गोल्डन सेटअप का कोर्स हो, चाहे वो BTST को सीखने का आर्ट हो जो अपने आप सीख सकते हैं, आप टेलीग्राम हमारे एप्लीकेशन से सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर शाम के टाइम पे, आपकी मुलाकात होगी हमारी डेटा एनालिसिस की वीडियो में, अगर डेटा जल्दी आ गया तो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको डेटा मिल जाता है कहीं से, अगर आपके पास टेलीग्राम से लिंक है कहीं से डेटा मिल जाता है तो आप टी तरुण शर्मा के ऊपर सेंड कर सकते हैं, अगर मुझे डेटा जल्दी मिल जाएगा, मेरे सोर्सेज से थोड़ा मुझे लेट मिलता है, जैसे मुझे डेटा मिलता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और आप में से कोई अगर मुझे डेटा भेज देता जल्दी तो मैं और जल्दी डीकोड करके अपना एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए वही करिए जो आप करते हैं, मतलब हंसते रहिए हंसाते रहिए, मार्केट से जितना हो सके उतना कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।